हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त द स्लेयर। सो फाइनली हमारे सामने खड़ी हुई है गाइज 2024 एडिशन की बर्डमैन स्ट्रीट, जो कि आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाएगी। और ये इसका नया कलर अभी लॉन्च हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेहरून टच देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी फेवरेट बाइक है यूथ के लिए और काफ़ी क्रूजिंग भी देखने को लगती है और बैठ के भी क्रूजिंग आपको लगेगी। और इसका थोड़ा सा अगर मैं लुक दिखाऊँ गाइज, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेहरून की कलरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपको मेहरून देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको मैट ब्लैक ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आगे की तरफ आता हूं, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट आपको वाइजर देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है तो, और 3D में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको DRS देखने को मिल जाते हैं, जो कि डे टाइम DRS ऊपर की तरफ जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे स्प्लिट LED आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे आपको मेटल का देखने को मिलता है आगे का मड गार्ड। और थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको निसन का आपको 1 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको डिस्क की बात करें तो 120 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको रिम, आपको 12 इंच का रिम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए ट्यूबलेस टायर और 90 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा इसके साइड की तरफ आए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्डमैन की आपको दी गई हुई है 3D में आपको इल्यूमिनेट करी गई हुई है बैजिंग। स्ट्रीट वेरिएंट है और RC कनेक्ट वाला वेरिएंट है, जो कि मिड वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। राइट कनेक्ट आपको ब्लूटूथ से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है और किक भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और अगर इसकी वेट की बात करूँ तो वेट 110 kg का आपको वेट देखने को मिलता है। और इसकी सीट हाइट की अगर बात करूँ तो 780 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर इसके आऊँ मैं हैंडल की तरफ, तो हैंडल काफ़ी ब्रॉड देखने को मिलता है, कुछ यूनिक तरीके का। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे बढ़िया एकदम कुछ भी सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर इसको जला के देखें तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, रात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे भी आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा कुछ भी रखने के लिए, इसको करते हैं बंद। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बूट स्पेस नहीं बोलेंगे, आगे जो पैर रखने के लिए स्पेस रहता है काफ़ी ज़्यादा और अच्छा दिया गया हुआ है स्पेस, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे आपके सिलेंडर नहीं आ पाएगा, तो ये ना क्वेश्चन करिएगा कि इसमें सिलेंडर आ जाएगा कि नहीं, तो बहुत ही मतलब मुश्किल आएगी सिलेंडर रखने में। क्रूजिंग टाइप की बाइक है, आगे भी आप पैर रख सकते हैं, आप नीचे भी पैर रख सकते हैं, बहुत आराम से आपको चलने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ इंजन की बात बताऊँ तो गाइस यहाँ पे इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, 124 cc का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा और 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और पावर की बात करूँ गाइस तो पावर इसमें आपको 18.5 bhp की पावर देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूँ तो 10 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और टॉर्क की गाड़ी है गाइस, काफ़ी आराम से चलने वाली गाड़ी है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक लेडीज फुटरेस्ट, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको सुजुकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको टायर आपको देखने को मिल जाता है 90 सेक्शन का। और व्हील अगर आपको बताऊँ तो 10 इंच का आपको व्हील देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी, जो कि 120 mm की आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है, शायद एडजस्टेबल भी हो। और अगर पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे आपको हेलोजन ही आई थिंक देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टेल लाइट आपको LED देखने को मिलती है और ये इनबिल्ड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इधर की साइड में आते हैं, तो ये जो वेरियंट है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुजुकी का आपको यहाँ पे इको परफॉर्मेंस वाले भी सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया हो। और मेटल में आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये आपको फाइबर में देखने को मिल जाएगा, और ये फाइबर थोड़ा अच्छी क्वालिटी होती तो काफ़ी अच्छा था, बट ये लड़ेगी तो ये टूट जाएगी गाइस, तो थोड़ा देख के चलाएगा। और ये एक चीज़ बताना भूल गया था, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको इनबिल्ट आगे की तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इंडिकेटर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और सीट की अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ आके, तो सीट आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है, काफ़ी स्प्लिट टाइप की, थोड़ी सी ऊंची यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी। और राइडर सीट और पिलियन सीट काफ़ी
बड़ी दी गई हुई है और यहाँ पे जो ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल काफी स्टर्डी देखने को मिलता है, फुल ग्रैब रेल दिया गया हुआ है। और अगर मैं आपको चाबी दिखाऊं, चाबी कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी, वही नॉर्मल सा, वही सब चीजें हैं। और थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे हैंडल पे आया था बट फिर से गिन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे हॉर्न और बटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिलता है और यहीं से आपका स्टार्ट भी हो जाएगी गाड़ी इग्निशन के लिए। और यहाँ पे बीच में देख सकते हैं डुअल टोन में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी गाड़ी का कलर, और यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मिरर मिरर काफ़ी वाइट दिए गए हैं, जैसे देख सकते हैं मैं दिखाई दे रहा होगा। ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और अब इसको हम चलाते हैं और देखते हैं इसका हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम टू सेम सुजुकी वाले वही देते हैं जो कि एग्निस में आपको दिया गया होगा, एक्सेस में दिया गया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राइड कनेक्ट ऑफर किया गया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको SMS अलर्ट कॉल सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको किलोमीटर का दिख जाएगा और कुछ चीज़ें हैं। और अगर सेलेक्ट करके देखें यहाँ पे ट्रिप ए एवरेज देखने को मिल जाएगा, ट्रिप बी एंड अगेन एवरेज बी, तो ये सब देखने को मिल जाएगा। और चार्ज उसका वोल्ट भी आपको दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज और सेम वही किलोमीटर कितनी चली हुई है। और यहाँ पे पेयरिंग मोड ऑन हो गया है, पेयरिंग मोड ऑन कर सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर फिर से इसको ऑन करके दिखाएं तो यहाँ पे आपको आपको दिखाएगा ये मेल फंक्शन का, यहाँ पे भी आपको कुछ इंडिकेटर दिखा रहा है और यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम का आपको दिखा रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हुई हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ सामने से तो काफ़ी मतलब इसका जो लाइटिंग है तो काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा जलने में, और रात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और अगर मैं इसके थोड़ा अंदर की तरफ जाऊं, बूट स्पेस, इसका बूट स्पेस देखने के लिए एक बार क्लिक किया एंड बूट स्पेस टड़ा खुल गया। काफ़ी बड़ा इसमें बूट स्पेस को देखने को मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फुल फेस वाला हेलमेट प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा आपको सेफ्टी किट और ये आपको रेंच चेंज जो भी है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, मैनुअल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप फ्यूल टैंक भरवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं E20 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ये 5.5 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी है। एंड अगर इसकी एवरेज की बात करूँ गाइस, तो एवरेज इसका है जो कंपनी क्लेम करती है एटलीस्ट 50 तो क्लेम करती है, बट हो सकता हो 40-80 के करीब आपको दे देगी रियल लाइफ में। सो गाइस अभी हम आपको इसका सुनाएंगे एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है। सो गाइज अभी ये जो था ये आपका आइडियल पे था, अब इसको रेव करके हम सुनाते हैं गाइज। सो गाइज ये कुछ एग्जॉस्ट का साउंड था जो कि आइडियल एंड आपको रेव करके सुना दिया, तो काफी अच्छा और बेसी थोड़ा साउंड है, तो कैसा लगा प्लीज आप बताइएगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें गाइस, तो प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ये अप्रॉक्स आपको लखनऊ में एक शोरूम देखने को मिल जाएगी 97,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगी। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा साहू सुजुकी का, जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए मुझे दिया रिव्यू करने के लिए। अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये आपको लेखराज की तरफ पड़ेगा, और बाकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और कैसी लगी गाड़ी और कैसा लगा इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा हमेशा। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, सायनारा गाइज़।